मित्रों नमस्कार। पंचकोशी साधना श्रृंखला के इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे मानवीय अस्तित्व की जो पांच परतें हैं, जिसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के रूप में हम लोग जानते हैं। उपनिषदों में कहा गया है प्राणयति जीव्यति इति प्राणः। मानवीय अस्तित्व की ये द्वितीय परत जिसे हम लोग प्राणमय कोश कहते हैं, ये प्राणमय कोश प्राण के कारण ही या प्राण को प्राप्त कर ही प्राणी जीवन को धारण करता है और उसी के अभाव में मृत्यु को प्राप्त करता है। तो साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्राणमय कोश के विषय में। प्राणमय कोश मानवीय अस्तित्व की पांच परतों में से ये द्वितीय परत है, जिसे हम इथरिक बॉडी या प्राणिक बॉडी के नाम से जानते हैं। प्राण शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रतीक है। प्राणमय कोश आत्मा का द्वितीय आवरण है, लेकिन ये द्वितीय आवरण स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर है। यदि इसी को सूक्ष्म से स्थूलता की ओर गति करें तो यह प्राणमय कोश हमारा चौथा नंबर का आवरण आता है। प्राण का अर्थ है वायु में निहित जीवन तत्व। जिस प्रकार वायु से धोखनी भरी रहती है, उसी प्रकार प्राणमय वायु से यह अन्न रसमय शरीर भरा रहता है। इसी कारण प्राणमय कोश को अन्नमय कोश का आत्मा कहा गया है। आत्मा वह सोर्स है जिसके आधार पे, जिसके कारण अन्नमय कोश जीवित रहता है और क्रियाशील होकर के अपना कार्य व्यवहार करता रहता है। गायत्री मंजरी में प्राणमय कोश के बारे में कहा है ऐश्वर्यम पुरुषार्थस्य तेज ओजो यशस्तथा प्राण शक्तयः तु वर्धन्ते लोकानामिति संशयः। इसमें कोई संशय नहीं कि प्राण शक्ति से मनुष्य को ऐश्वर्य पुरुषार्थ तेज ओज और यश मिलता ही है। उसका यश निश्चित रूप से बढ़ते हैं तो प्राण को धारण करना और प्राण धारण करके जीवन को गति प्रदान करना यह मनुष्य का परम कर्तव्य है। अन्नमय कोश के भीतर विद्यमान रहता है प्राणमय कोश। जैसे कि आप इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हमारा स्थूल जो स्वरूप होता है उसका वैसा ही स्वरूप हमारा प्राणमय कोश है, जो कि प्राण से भरा हुआ होता है, प्राण से लबालब होता है। यह पदार्थ का ऊर्जीय क्षेत्र है जिसका संबंध जैव विद्युत संस्थान से होता है। मानवीय अस्तित्व के ये शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली कोशों में से एक है, जिसे हम लोग विद्युत संस्थान कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, प्राण ऊर्जा इसी कोशों का आधार है और हम प्राणायाम और अन्य तकनीक के माध्यम से इस कोश की ऊर्जा को हम लोग बढ़ा पाते हैं। कर्मेंद्रियै पंचभीर चित्तोयम प्राणो भवेत् प्राणमस्तु प्राणकोशः। आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कर्मेंद्रियै, पांच कर्मेंद्रियों का जो समूह है पंच भीरं चीतोयम प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः, और पांच प्राणों का जो समूह है वही प्राणमय कोश है। तो पांच कर्मेंद्रिय और पांच प्राण मिलकर के प्राणमय कोश का निर्माण करता है, ऐसा आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में बात कही है। और इसी प्राण के कारण ही संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं, चाहे वो श्वसन का हो, पाचन हो या शरीर का हिलना डुलना इत्यादि सारे प्रक्रियाएं इसी प्राणमय कोश के कारण ही होता है। अर्थात जीवन की गतिशीलता प्राणमय कोश के कारण विद्यमान है। जीवन को बनाए रखने वाला ये पांच जैवल, जिसको प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान कहा गया है,
और इसका स्थान शरीर में अलग अलग जगह है। हृदि प्राणो गुदे अपानः समानो नाभि मंडले उदानः कंठ देशस्यो व्यानः सर्व शरीरगा। गोरक्ष संहिता में हठ योगी गोरक्षनाथ जी ने जो बात कही है ये महत्वपूर्ण है। प्राण हृदय में है और अपान नाभि से नीचे, समान नाभि प्रदेश में है और उदान कंठ से ऊपर प्रदेश में, और व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। ये पांच जय बल है जिससे मनुष्य का जीवन भरा पूरा रहता है। इसका नाम जय बल है क्योंकि हम सारे जितने भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, शारीरिक जितने भी प्रक्रियाएं, फिजिकल एक्टिविटी जितने भी करते हैं, उसका आधार यही प्राण शक्ति है। यही प्राण है जो अन्नमय कोष को बल और प्रेरणा देने वाला है। ऐसा पंचदशी में कहा गया है कि अन्नमय कोष को जो प्राण देने वाला है, प्रेरणा का जो स्रोत है, वो प्राणमय कोष ही है। तो प्राणमय कोष मित्रों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। यदि इसकी साधना के बारे में हम लोग बात करें प्राणमय कोष की, तो इसके लिए गायत्री मंजरी में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि बंधेन मुद्रया चैव प्राणायाम मेण चैव ही। शुद्ध वातावरण के साथ बंद मुद्रा और प्राणायाम द्वारा यत्नशील पुरुष को यह प्राणमय कोष सिद्ध होता है। इसका मतलब इसके लिए जो महत्वपूर्ण जो पक्ष हमारा है, शुद्ध वातावरण के साथ बंद मुद्रा और प्राणायाम, ये महत्वपूर्ण साधना की विधान है जिसके द्वारा हम लोग प्राणमय कोष को जीवंत और जागृत कर सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, ऊर्जावान बना सकते हैं, प्राणवान बना सकते हैं और अपने मानवीय जीवन के जो परम लक्ष्य है उस परम लक्ष्य को हम लोग हस्तगत कर सकते हैं। दूसरा नंबर यह है प्राणायाम की सुगम क्रिया एवं दिव्य क्षेत्र। दिव्य क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां ऋषि संत महात्मा तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष लाखों वर्ष से जो तीर्थ प्राण ऊर्जा से घनीभूत और लबालब है, ऐसे दिव्य क्षेत्र में केवल उसका भ्रमण, उसका सेवन और प्राणायाम की सुगम क्रियाएं अर्थात प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम की एक तकनीक, सहज तकनीक आचार्य ने चर्चा की है कि ये सहज तकनीक इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति इसे सहज क्रम में कर सकता है। करना यूं होता है इसमें कि आप कमर गर्दन सीधी कर बैठ जाएं, सहज क्रम में आंखें बंद रखें और लंबी गहरी श्वास आप भरें, उदर क्षेत्र को फूलने दें। भाव ये करें कि आप दिव्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं और आपके चारों तरफ दिव्य प्राण घनीभूत हो रही है, आपके अंदर वो प्राण समाता जा रहा है, संपूर्ण शरीर प्राणवान बन रहा है। अंदर प्राण को भरें और धीरे धीरे अंदर से जब प्राण बाहर, श्वास को बाहर निकालें, तो भाव करें कि अंदर के सारे विकार नष्ट होकर के जल करके वो शरीर से बाहर निकल रहा है। लंबी गहरी श्वास लेना, कुछ क्षण रोकना, भाव करना दिव्य प्राण को शरीर में समाहित होने का और धीरे धीरे फिर उसे बाहर निकाल देना। जब बाहर निकाले तो अपने अंदर के दोष दुर्गुणों को, अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की कल्पस कसाय को निकलने का भाव करना। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति की पूरे प्राण ऊर्जा को प्रभावित करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य विचारों का पुतला है, जैसा सोचता है करता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए मित्रों प्राणमय कोष के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस सहज प्राणायाम की प्रक्रिया को हमें दोहराना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्राणायाम की जो नौ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, हमने कई और वीडियो जो आपको दे चुके हैं इसमें विस्तार चर्चा है। यहाँ पे सभी प्राणायाम का विस्तार से चर्चा करना समीचीन नहीं है। इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरा सूर्यभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम में दाएं नोस्टल से नासिका रंध्र श्वास लेते हैं, बाएं नासिका से छोड़ा जाता है। सहज क्रम में प्रारंभिक साधक ज्यादा कुंभक का अभ्यास ना करें। उज्जायी प्राणायाम ग्रीवा प्रदेश को संकुचित करके श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया की जाती है। शीतकारी, शीत
शीत की आवाज करते हुए, अर्थात लंबी गहरी श्वास लें, दोनों जीभ को, दांत को, दोनों ऊपर नीचे दांत को मीच करके लंबी गहरी श्वास दांतों के बीच से ही श्वास को लेने का प्रयास करें, तो ये शी और त की आवाज होती है, शीतकारी प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम में जीव को कौवे की चोंच की तरह मोड़ करके बाहर निकालकर उसके अग्रभाग से श्वास लेने की प्रक्रिया है। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्ती भाथी कहते हैं, लोहार की धोकनी की तरह अपने उदर संस्थान को अंदर बाहर धोकनी की तरह लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग लेने और छोड़ने की दोनों आवाज एक ही समान होता है। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो भ्रमर की गुंजन की तरह है, जिसमें हम लोग अपने दोनों कान को अपनी उंगलियों से बंद करके आंखें सहज करके हम लोग माँ की गुंजन करते हैं। इस प्रकार का गुंजन हम कंटिन्यूटी में करते हैं, ये भ्रामरी प्राणायाम है। मूर्छा और पलावनी प्राणायाम क्योंकि महत्वपूर्ण प्राणायाम है समाधि की स्थिति के प्राप्त करने के लिए, लंबे अवधि तक समाधिस्थ रहने के लिए, क्योंकि वर्तमान में इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता महसूस नहीं की जा रही है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन ऊपर के जितने भी प्राणायाम है इस प्राणायाम को हम लोग कर सकते हैं, और इसको करने से निश्चित तौर से हमारा प्राणमय कोश जागृत होता है। केवल यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को लंबे समय तक करें तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन किंतु सूर्यवेदी और अन्य प्राणायाम करें तो मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की अपनी अपनी अलग अलग तत्व की प्रधानता होती है, वात पित्त और कफ की प्रधानता या कमी बेसी होती है। तो साथियों इसका जरूर ध्यान रखें, सूर्यवेदी प्राणायाम जो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति वो ना करें, शीतली शीतकारी प्राणायाम जो कफज प्रकृति वाले वे ना करें। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो विशेष जानकारी अर्जित करके इन प्राणायाम का अभ्यास करें, जिससे आप हम से सुरक्षा के दृष्टिकोण से बचे रहें। चौथा नंबर त्रिबंध है, तीन बंधों का प्रयोग, मूल बंध, उडयान बंध और जालंधर बंध, अन्य शब्दों में कह सकते हैं महाबंध का प्रयोग करते हैं। मूल बंध में साथियों हम लोग मूलाधार अर्थात गुदा मूल और लिंग मूल के मध्य भाग को ऊपर की ओर खींचते हैं, श्वास को सहज क्रम में बाहर निकालते हुए सबसे पहले मूल बंध लगाते हैं नीचे वाले सबसे मूल प्रदेश पे। जब श्वास बाहर छोड़ रहा है तो नाभि प्रदेश सहज क्रम में अंदर चला जाता है, और अंदर जाकर के नाभि को बिल्कुल स्पाइनल कार्ड से लगाते हैं, जैसे कि आप फोटोग्राफ पे देख पा रहे हैं, तो ये ध्यान है। इससे प्राण जो है ऊपर की ओर उठता, उड़ मतलब उठना, ऊपर की ओर उठता है, कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाया जाता है। और जालांधर, जालान मतलब जाल, ग्रीवागत नाड़ियों के समूह जो हमारे ग्रीवा प्रदेश में, उसे ठुड्डी के माध्यम से उसे क्या है ऊपर खींच करके बांध दिया जाता है, ये जालंधर है। ग्रीवागत नाड़ियों के समूह को बांधना ये जालंधर बंध है। इन तीनों बंधों को एक साथ बाह्य कुंभक में किया जाता है, लेकिन प्रशासन की दृष्टि से साथियों ध्यान रखना है सावधानी कि आप बहुत लंबे समय तक बाह्य कुंभक ना करें, यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार एकाएक बहुत ज्यादा करने का प्रयास ना करें। शास्त्र में कहा गया है कि देखा देखी किन्हा जो छीजी काया बाढ़े लो, अगर आप देखे देखी कोई योग करेंगे तो हमारे शरीर में क्या है रोग उत्पन्न हो जाता है। तो सहज स्वाभाविक खान पान को ध्यान में रख करके इस त्रिबंध का प्रयोग हमें इस साधना के लिए प्राणमय कोष को ऊर्ध्वगामी या प्राण को सशक्त बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा नंबर हमारे पास है, वे है सात मुद्राएं, मुदम आनंदम राति लाति इति मुद्रा। मुद्रा अर्थात प्रसन्नता की प्राप्ति। मुद्रा हमारे आत्मशक्ति के अभिव्यक्ति का साधन है, और यौगिक मुद्राएं तो हमारे अंदर की जो पोटेंशियल पावर है, हमारे अंदर की दिव्य शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, उसकी जागरण की विधा है। मानवीय अस्तित्व की जो शक्ति है, ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सही दिशा में मार्गदर्शन के लिए इस मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्रा है वो महामुद्रा, ऊपर की जो आप
चित्र देख पा रहे हैं महामुद्रा की प्रक्रिया है। इसमें भी त्रिबंधों का प्रयोग किया जाता है और साथ साथ इसमें आसन तो करते ही करते हैं, आसन के साथ बंद और प्राणायाम तीनों का संयुक्त इसमें प्रयोग, एक साथ संयुक्त अवस्था में इसका अभ्यास किया जाता है। दूसरा जो है खेचरी। खे मतलब होता है आकाश और चर मतलब होता है चरण करना, विचरण करना, अर्थात आकाशगामी शक्ति प्राप्त होती है इससे। इसके लिए साथियों जीवा को उल्टा करके अपने आपके गले अर्थात गले वाले भाग में अंदर तक विशुद्धि, जहां चक्र हमारा है, तो हमारे कहते हैं कि यहाँ पर अमृत टपकता है और वहीं पर उसको ले जाकर क्या है उस अमृत का पैपान इस खेचरी मुद्रा के माध्यम से जीव के अग्रभाग से किया जाता है। नंबर तीसरा है विपरीत करणी। विपरीत करणी लोग आसन भी जानते हैं इसको, लेकिन ये आसन तो जैसा लग रहा है, लेकिन आसन की प्रक्रिया के साथ ये मुद्रा है। यहाँ पे मुद्रा इसलिए है कि इसमें आसन के साथ साथ प्राणायाम और बंधों का भी प्रयोग है। इसमें साधक प्राणायाम की प्रक्रिया संपन्न करता है, मूल बंद और उद्यान बंद लगाता है, ताकि हमारी दिव्य कुंडलिनी शक्ति ऊपर से अर्थात नीचे मूल बंद मूलाधार से नीचे की ओर अर्थात इधर ऊपर की ओर जो हमारे ग्रीवा प्रदेश की है, शीर्ष प्रदेश है, इस ओर गति करे, इसलिए हम कटी प्रदेश को ऊपर उठाते हैं। ये तीन मुद्राएं जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अभ्यास और अधिक जानकारी प्राप्त करके गुरुजनों से फिर इस अभ्यास क्रम को आगे बढ़ाएं। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा की अलग अलग प्रक्रिया, एक मैंने हस्त मुद्रा यहाँ पे दिखाया योनि मुद्रा। हमारे शास्त्रों में योनि मुद्रा की प्रक्रिया जो एक तरह से षणमुखी मुद्रा की प्रक्रिया के समान होते हैं, जिसमें हम अपने उंगलियों से कान, आंख, नाक और मुंह को बंद किया जाता है, जिसकी आकृति लगभग योनि की तरह होती, इसलिए उसको योनि मुद्रा कहा गया है। और हस्त मुद्राओं में भी साधना के लिए इस योनि मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रकार की योनि मुद्रा का ही प्रयोग किया जा सकता है। शांभवी। शांभवी मां भगवती पार्वती की मुद्रा है। इसके द्वारा हम अग्र चक्र को जागृत करते हैं, एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसके द्वारा कंसंट्रेशन पावर और साथ साथ इसे आज्ञा चक्र का जागरण संभव होता है। तो इस जागरण के लिए हमें शांभवी मुद्रा का अभ्यास नित्य प्रति जरूर करना चाहिए। चित्त की चंचलता इससे अवरुद्ध होती है और हमारे अंदर जो प्राण का क्षरण है वो प्राण का क्षरण इससे रुकता है। और योनि मुद्रा के द्वारा तो सबसे अधिक प्राण शक्ति संचित की जाती है। शक्ति साधना में तो योनि मुद्रा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसलिए इन दोनों मुद्राओं का प्रयोग भी प्राणमय कोश साधना के लिए किया जाता है। इसके बाद है भूचरी और अगोचरी। भूचरी नाक के अग्रभाग, आठ अंगुल अग्रभाग को हम देखें तो हमारा भूचरी है, और अगोचरी में भी हम नासिका के अग्रभाग को देखते हैं, जिसे कहीं कहीं पे नासिकाग्र कहते हैं, और नासिकाग्र से थोड़ा सा चार अंगुल ऊपर देख आगे देखना ये अगोचरी है, और उसी से आठ अंगुल नीचे की ओर देखना, भूमि की ओर देखना, ये है भूचरी। तो सहज क्रम में हमारे प्राण शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, दृष्टिगत रखने के लिए इन मुद्राओं का प्रयोग महत्वपूर्ण है। इन मुद्राओं के द्वारा प्राण शक्ति को हम लोग विकसित करते हैं, अपनी मानसिक शक्ति को एकत्र करके उस प्राण शक्ति को अपने जीवन में हम लोग धारण करते हैं। इसकी जो फलश्रुतियां हैं, इसकी जो लाभ है, जो प्राण हस्तगत करने के बाद साधक के जीवन में जो मिलता है वो है ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य ऐसा होता है जो उसके सांसारिक दुनिया में चारों तरफ फैलता है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों आयामों को प्राप्त करने के लिए इस प्राण की आवश्यकता होती है। और जब व्यक्ति प्राण
को जागृत करता है, प्राणमय कोष को जीवन बनाता है, तो चारों पुरुषार्थ जीवन में आता है। तेज व्यक्ति के अंदर की जो वाइटल कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। व्यक्ति इतना शक्ति सामर्थ्य से भरा पूरा होता है कि वो दुनिया के प्रत्येक कार्य को कर पाने में सक्षम होता है। ओज ग्लोनेस व्यक्ति के अंदर में बढ़ता है। प्राण है, मैंने पहले भी कहा था, प्राण यदि जीव्यते इति प्राण, तो प्राण को धारण करने के कारण ये प्राणमय कोष ओज से भरा पूरा होता है, क्योंकि सप्त धातुओं का अंतिम प्रणति ओज होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और उसके परिणाम जो बनता है लास्ट में ओज है। तो प्राणमय कोष से जो सप्त धातुओं का अंतिम परिणाम ओज है वे प्राप्त होता है। यस, सांसारिक कीर्ति, ऐश्वर्य जो हमारी आध्यात्मिक कीर्ति है, तो यश चहु दिशा में फैलता है। जिसकी शक्ति है, जिसकी सामर्थ्य है, उसी की चर्चा होती है। तो साथियों, प्राणमय कोष जागृत करने लिए कम से कम हमें प्रारंभिक स्थिति में जितना संभव हो सकता है कि प्राणायाम, दिव्य क्षेत्र का भ्रमण, दिव्य क्षेत्र में रह करके वहां की प्राण ऊर्जा को आत्मसात करने की प्रक्रिया, इसे हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। और अपने अंदर की जो पोटेंशियल पावर है, अपने अंदर की शक्ति है, मानवीय अस्तित्व की जो सामर्थ्य है, उसको जगाने का प्रयास करें ताकि हमारा जीवन सफल बन सके और सार्थक हो सके। सफल और सार्थक व्यक्तित्व को पाने के लिए हमें प्राणमय कोष को जागृत करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। तो मित्रों, आप सब प्राणमय कोष जो मानवीय अस्तित्व की द्वितीय परत है, इसके बारे में आप जानें। मुझे उम्मीद है कि आपको प्राणमय कोष की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी आपको तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि प्राणमय कोष महत्वपूर्ण है इस समय जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, प्राण को बढ़ाने की, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की, ताकि हम अपने अंदर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा करके बुरे से बुरे समय से हम निकल सकें, आगे बढ़ सकें, देश को आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।